दोस्तों, यदि आप भारत की जीत के बाद खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भारत की जीत के बाद खुश नहीं हैं तो इस वीडियो को लाइक मत करना। भारत ने दूसरा टेस्ट 239 रन और एक पारी से जीता। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को एक पारी और 239 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इससे पहले पहला मैच बराबरी पर समाप्त हुआ था। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका की पहली पारी 205 रनों पर सिमट गई थी, जिसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी 6 विकेट खोकर 610 रन पर घोषित कर दी। पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम ने श्रीलंका पर 405 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली थी। काय की ओर से इस पारी में सबसे अधिक रन कप्तान दिनेश चंडीमल 61 ने बनाए। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सोमवार को 405 रन की बढ़त का बोझ उतारने के दबाव में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। मेहमान टीम ने अपनी पारी 21/1 सेकंड आगे बढ़ाई। उमेश यादव ने 47वें ओवर में कप्तान दिनेश चांडीमल को फाइन लेग में अश्विन के हाथों कैच आउट करवाया। अश्विन ने मैच के 35वें ओवर में श्रीलंका को एक के बाद एक झटके दिए। अश्विन ने अपने 11वें ओवर में दिलरुवन परेरा को 0 के स्कोर पर LBW और इसके बाद आए रंगना हेरात को भी 0 पर अजिंक्य रहाणे के हाथों स्लीप में कैच आउट करवाया। चांडीमल ने 82 गेंद पर 10 चौकों की मदद से सबसे अधिक 61 रन बनाए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के मूड से आए शंका को अश्विन ने लॉन्ग ऑन पर राहुल के हाथों कैच आउट करवाया। शंका पहली गेंद से ही आक्रामक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने 8 गेंद पर एक चौका और 2 छक्कों की मदद से 17 रन की पारी खेली। मैच में कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए ईशान ने डिकवेला को कोहली के हाथों स्लीप में कैच आउट करवाया। डिकवेला ने 12 गेंद पर 4 रन बनाए। मैच में श्रीलंका को तीसरा झटका उमेश यादव ने थिरिमाने के रूप में दिया। थिरिमाने उमेश की बाहर जाती हुई गेंद पर पॉइंट पर चौका जड़ने की फिराक में जडेजा को कैच थमा बैठे। थिरिमाने ने 62 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 23 रन की पारी खेली। जडेजा ने दूसरी पारी में अपना दूसरा शिकार एंजेलो मैथ्यूज के रूप में बनाया। मैथ्यू जा जडेजा की बॉल पर ऑफ ड्राइव मारने के चक्कर मिड ऑफ पर खड़े रोहित शर्मा को आसान सा कैच थमा बैठे। मैथ्यूज ने 32 गेंदे एक छक्के की मदद से 10 रन की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने उपनद दिमुत करुणारत्ने 16 का दिन के 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर शॉर्ट लेग में विजय के हाथों कैच आउट कराया। विजय ने दर्शनीय कैच लपका। बता दें कि श्रीलंका को पहला झटका ईशांत शर्मा ने दिया था, जब उन्होंने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ओपनर सदीरा समरविक्रमा को क्लीन बोल्ड किया था। इससे पहले मुरली विजय 128, चेतेश्वर पुजारा 143, कप्तान विराट कोहली 213 और रोहित शर्मा 102 की धमाकेदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने अपनी पहल पारी 610/6 के स्कोर पर घोषित की थी। इस तरह उसने श्रीलंका पर 405 रन की बढ़त हासिल की। याद हो कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली श्रीलंका की पहली पारी 205 रन पर ऑल आउट हुई थी।